आज हम लोग करेंगे बाइट प्ले का डिटेल रिव्यू। हाय गाइज, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर हम लोग डिजिटल टूल्स के बारे में बात करते रहते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइट प्ले के बारे में। ये एक यूट्यूब मार्केटिंग टूल है। इसको यूट्यूब एड्स के लिए मेनली यूज़ किया जाता है एंड आई थिंक यूट्यूब एड्स की एट प्रेजेंट थोड़ी ज़्यादा स्कोप है कंपेयर्ड टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। और अगर आप लोग यहाँ पे यूट्यूब टारगेटेड एड्स रन करना सीख गए तो आपको कम कॉस्ट में यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली मिल सकते हैं। सो अगर यहाँ पर आप लोग एक डिजिटल मार्केटर हो या फिर किसी भी तरह का कुछ प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हो, एड्स वगैरह रन करते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। प्राइसिंग की बात करूँ तो एट प्रेजेंट आपको ऐप सुमो पे दिख जाएगा। इसकी प्राइसिंग यहाँ पर है $99 की। एंड जैसे हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको दो प्लान्स देखने को मिलते हैं, सिंगल और डबल। मोस्ट यूजर्स का यहाँ पे सिंगल में काम हो जाएगा। पहले सिंगल आप लोग यूज़ करके देख लीजिएगा, देन ही डबल परचेज करिएगा अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट लगती है तो। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे सिंगल वाले प्लान में काम हो जाएगा। इसके अगर मैं ओरिजिनल प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे $99 तो एक मंथ का ही ये लोग चार्ज कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। बट अभी फिलहाल यहाँ पे लाइफ टाइम डील चल रही है। मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एक बार आप लोग इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आगे और बढ़ूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मुझे बाइटप्ले ने इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय परचेजिंग फ्रॉम माय लिंक्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। थैंक यू। सो ये रहा बाइटप्ले। जैसे यहाँ पर आप लोग लॉगिन करोगे आपको इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें अभी आने वाली हैं। जो मेन चीज़ें मैं यहाँ पे वो कवर कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कवर पे जाएंगे, वीडियो सर्च पे जाएंगे। ये बेसिकली यहाँ पर हमें वीडियोस को सर्च करके दे देता है। अब नॉर्मल सर्च में और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के वीडियोज़ देखने, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड देखने, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड डाल देता हूँ। कितने मुझे यहाँ पे सर्च रिजल्ट चाहिए, मैं 50 डाल देता हूँ। एंड देन एडवांस में जाकर के आपको जो फिल्टर्स है, बेसिकली ये आपको नैरो डाउन करने में हेल्प करता है कि आपको कैसे वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए यहाँ पे कि उसके जो मिनिमम व्यूज़ हैं वो एटलीस्ट यहाँ पर लेट्स से 1000 के ऊपर होने चाहिए। लाइसेंस से मैं फिल्टर कर सकता हूँ नेगेटिव वर्ड्स, अगर मुझे यहाँ पे कुछ वो वर्ड्स नहीं चाहिए। मान लो मुझे HDFC नहीं चाहिए तो यहाँ पर मैं HDFC डाल दूंगा। कौन सी कंट्री का चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कोर्स बनाया मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, जो मैं इंडिया में सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा इंडिया, क्योंकि मुझे सिर्फ इंडिया के वीडियोज़ ही चाहिए जो हिंदी में है। तो यहाँ से मैंने कंट्री सिलेक्ट कर लिया इंडिया, मैंने मिनिमम व्यूज़ सिलेक्ट कर लिए। सर्च प्रायोरिटी में यहाँ पे डाल सकता हूँ कौन से चाहिए, मोस्ट रिलेवेंट, रीसेंट, या जिसके मोस्ट व्यूज़ आए वो वाले, वैसा फिल्टर लगाना है। डेट आई विल से एक साल की डेट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना मुझे नहीं चाहिए। सेफ सर्च, वीडियो ड्यूरेशन, वीडियो डेफिनेशन, रिजल्ट डिस्प्ले, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं फ़िल्टर से कर सकता हूँ। मैं ओके कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पर मुझे क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। और ये यहाँ पर हमारी लिस्ट आ चुकी है क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोज़ के बारे में। एंड जैसे ये हाउ टू अप्लाई फॉर SBI क्रेडिट कार्ड, ये कुछ यहाँ पर अच्छे वीडियोज़ हैं। एंड ये जो वीडियो है ये तो फिलहाल फॉरेन ऑडियंस के लिए, ये हिंदी वीडियो नहीं है। यहाँ से मैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, अगर लैंग्वेज का ऑप्शन होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। सो ये यहाँ पर वीडियोज़ आ गए हैं, मैं इनमें से वीडियो सिलेक्ट कर सकता हूँ जिस वीडियो पर मुझे एड्स को रन करना है। यहाँ से मैं वीडियो को प्ले कर सकता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह देख सकता हूँ, मतलब बेसिक वीडियो की मैं यहाँ पर चीज़ें देख सकता हूँ। एंड यहाँ पे जो चैनल का नाम है वो आ जाता है। तो मुझे हिंदी वीडियोज़ ही चाहिए तो मैंने यहाँ पे पहले के दो सिलेक्ट कर लिए, ये तीन चार सिलेक्ट कर लिए। हाउ टू गेट US क्रेडिट कार्ड, ओके, 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे मुझे इन वीडियोज़ पे एड्स रन करने हैं तो मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लूँगा, मैं इसके CSV ले लूँगा या फिर इसके URS ले लूँगा। एंड देन यहाँ पर मैं इसको टारगेटेड एड्स में डाल के रन कर सकता हूँ। टारगेटेड प्लेसमेंट एड्स मैं इन वीडियोज़ पे यहाँ पर रन कर सकता हूँ। सो बेसिकली वीडियो सर्च फीचर नॉर्मल यूट्यूब सर्च फीचर जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एडवांस का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप लोग फिल्टर्स डाल के अपने टारगेटेड वीडियोज़ ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। एंड यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट करने का भी ईजी ऑप्शन मिल जाता है। आपने सारे वीडियो सिलेक्ट कर लिए, उसका यहाँ पे URL ले लो एंड देन उन URLs पे अपने टारगेटेड एड्स को आप लोग रन कर सकते हो। देन यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड्स के ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। बेसिकली ये यूट्यूब ऑटोफिल है। एंड जैसे फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोवाइडर में यहाँ पे यूट्यूब सिलेक्ट कर लेता हूँ, कीवर्ड में लेट्स एंटर क्रेडिट कार्ड, देन सर्च। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे इंग्लिश के, क्रेडिट कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस दिख गए हैं। तो ये जैसे ऑटो फिल होता है ना यूट्यूब का, जैसे हम लोग टाइप करते हैं उसके नीचे लिस्ट आ जाती है, बेसिकली ये वही चीज़ है। जो इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है वो ये है कि यहाँ पर मैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा है। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी में बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लूँगा। एंड ये देखो यहाँ पर इसने मुझे हिंदी रिलेटेड सारे दे दिए हैं और काफ़ी एक्यूरेट दिए हैं।
क्रेडिट कार्ड कैसे बनाएं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैसे करें, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। एंड मैं ये एड्स के लिए नहीं, लेकिन जो मैं अपने खुद के वीडियोस बना रहा हूँ उसके लिए मैं यहाँ पर सजेशंस ले सकता हूँ, ये जो कीवर्ड्स मुझे इसने निकाल के दिए हैं। सो कीवर्ड रिसर्च टूल इनका अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है जितना VidIQ और TubeBuddy का है। वो काफ़ी मैच्योर टूल है, वो बनाए ही कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के लिए गए हैं, यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो बनाए गए हैं, और काफ़ी मैच्योर टूल है। दोनों का रिव्यू मैं कर चुका हूँ, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। बट इट इज़ गुड, अगर आपको बजट में चाहिए तो आप लोग देख सकते हो, लाइफ टाइम डील के ऊपर एट प्रेजेंट है, तो इट्स अ गुड डील आई थिंक। देन यहाँ पर आता है फाइंड इन्फ्लुएंसर का ऑप्शन, अगर आपको कुछ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह ढूंढने हैं, मतलब यूट्यूब चैनल्स वगैरह बेसिकली ढूंढने हैं, तो उसका ऑप्शन यहाँ दे देता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे लैपटॉप रिलेटेड वीडियोस के चैनल देखने हैं, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंग्लिश, लेट्स एंटर यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, मैक्स रिजल्ट 10 पर मैं इसको यहाँ पर लिमिट कर देता हूँ, तो ये मुझे लैपटॉप रिलेटेड यहाँ पर चैनल्स दे देगा आई थिंक। सो ये यहाँ पर मेरे लैपटॉप रिलेटेड चैनल्स आ चुके हैं, बट आई थिंक ये काफ़ी बेसिक सा सर्च ऑपरेशन है। यहाँ पे सिर्फ इसने चैनल को सर्च किया है जिसमें लैपटॉप नाम है, तो इट इज़ बेसिक फाइंड इन्फ्लुएंसर। मुझे यहाँ पे कुछ खास पसंद नहीं आया है, देखो जितने भी मुझे चैनल रिटर्न करके दे रहा है सब में लैपटॉप 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 लिखा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे लैपटॉप टर्म को सर्च कर रहा है चैनल नेम के अंदर। सिर्फ एक ही वाला चैनल है जो कि अलग है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। डेव 2D का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी जितने सारे लैपटॉप के वीडियोस बनाते हैं उनका यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं है, सिर्फ जो चैनल पे यहाँ पे लैपटॉप लिखा है उसने वो वाले चैनल्स मुझे यहाँ पे निकाल के दे दिए हैं। देन हमारे पास यहाँ पे टैग जनरेटर है, फॉर एग्जांपल मैं को क्रेडिट कार्ड के वीडियोस मैंने बनाए हैं, क्रेडिट कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड का मैंने वीडियो बनाया है, मुझे उस पर टैग्स चाहिए, सो इसने यहाँ पर मुझे कुछ टैग्स दे दिए हैं, अच्छे टैग्स हैं, इट इज़ गुड, जिसका मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। टैग कीवर्ड्स में मुझे ये बताता है कि मेरा वीडियो यहाँ पे कैसा रैंक कर रहा है उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए। फॉर एग्जांपल ये मेरा VidIQ का रिव्यू वीडियो है, तो ये VidIQ रिव्यू पे 9th पोजीशन पे, VidIQ रिव्यू 2021 के लिए 8th पोजीशन पे, VidIQ रिव्यू इन हिंदी पे 1st पोजीशन पे, एंड हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियो पीछे ये थोड़ा 11th पर है, एंड ऐसे ही यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिसके लिए वाला वीडियो मेरा रैंक करता है। तो टैग कीवर्ड्स में मुझे ये पता चल जाता है कि ये कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए यहाँ पे रैंक कर रहा है। नेक्स्ट इज़ वीडियो इन्फो, वीडियो इन्फो में यहाँ पे बेसिक सा वो इन्फो दे देता है वीडियो के बारे में, दैट्स इट, कुछ ज़्यादा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको आपके एनालिटिक्स टैब में ही मिल जाएगी, ये ज़्यादा यूज़फुल यहाँ पर मुझे नहीं लगा है। देन वी हैव ट्रैकर्स, टॉपिक ट्रैकर यहाँ पर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। टॉपिक ट्रैकर, अगर आपने मेरा VidIQ वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें एक अलर्ट का फंक्शन रहता है, वैसे ही यहाँ पर ये टॉपिक ट्रैकर के नाम से इन्होंने दिया है। बेसिकली ये होता है कि मैंने यहाँ पे कोई कीवर्ड डाल दिया और इस कीवर्ड से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो रिलीज़ होगा YouTube के ऊपर तो मुझे यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल न्यू टॉपिक ट्रैकर पे मैं जाता हूँ, कोई भी यहाँ पर मैं उसका नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल CC दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी CC दे देता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, एंड देन सर्च क्या करना है, यहाँ पर सर्च मुझे करना है कीवर्ड से, क्या सर्च करना है, मान लो क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे डाल लेता हूँ क्रेडिट कार्ड, फिल्टर्स में यहाँ पे डाल सकता हूँ कि कैसा चाहिए मुझे, कितने मिनिमम व्यूज़ उसके होने चाहिए, तो मैंने उसके 1000 डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, और कोई मुझे यहाँ पे फिल्टर एट प्रेजेंट ऐड करना नहीं है, एटलीस्ट 1000 व्यूज़ यहाँ पर उसके चाहिए, ऐड सर्च कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, एंड देन मुझे कब उसकी रिपोर्ट चाहिए, मुझे डेली चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पर कोई भी क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियो आएगा यूट्यूब के ऊपर, मुझे यहाँ पे ईमेल आ जाएगा BitePlay की तरफ से कि ये वाला नया वीडियो आया है। अब उसके बाद या तो मैं चाहूँ तो उस पर एड्स रन कर सकता हूँ, क्योंकि नया वीडियो है तो उस पर व्यूज़ भी ज़्यादा होंगे, तो मैं उस पर एड्स रन कर सकता हूँ, या जाके उस पर कॉमेंट कर सकता हूँ, कुछ मीनिंगफुल कॉमेंट कर सकता हूँ, लोगों के कॉमेंट के रिप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं उसी तरह का कोई एक नया वीडियो भी बना सकता हूँ अगर मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है तो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है टॉपिक ट्रैकर का फीचर, जैसे क्रेडिट कार्ड का मैंने एक टॉपिक ट्रैकर बना के रखा है, देन वेब होस्टिंग का बना के रखा है कि जब भी कोई वेब होस्टिंग से रिलेटेड वीडियो आए तो मुझे बता दो। देन वी हैव कन्वर्जन ट्रैकिंग, ये बताता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट सेल किया है यूट्यूब एड्स के थ्रू, देन उसमें कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वहाँ से परचेस करी गई है कि नहीं करी गई है, तो ये थोड़ा एडवांस में है लेकिन एट प्रेजेंट ये बीटा में भी है। आप लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए कोई और टूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एट प्रेजेंट इसका मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। देन यहाँ पे कंटेंट ट्रैकर में जो भी आपके वीडियोज़ हैं आप लोग ट्रैक कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। कंटेंट ट्रैकिंग यहाँ पर कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे देती है, एंड कितने व्यूज़ है, कितने लाइक्स है, डिसलाइक है, कॉमेंट्स है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको आपके यूट्यूब एनालिटिक्स में ही देखने को मिल जाएगी। देन वी हैव वीडियो मेकर, यहाँ पर इन्होंने wave.video के साथ में कोलैबोरेशन किया है, लेकिन आपको यहाँ पर wave.video का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिलता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे wave.video को इसी के अंदर ही BitePlay के अंदर ही wave.video का यूज़ करके कोई
कुछ एड्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका ऐसा नहीं है कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको उसका सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा। देन वी हैव यूट्यूब एड्स ट्रेनिंग, जो इनका अकेडमी के नाम से है, यहाँ पर यूट्यूब एड्स का क्रैश कोर्स है। अगर आपको यूट्यूब एड्स नहीं आते, नहीं रन करे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे यूट्यूब एड्स सीखने के लिए। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है, इट इज़ गुड। और कभी कभार यहाँ पर एक पॉपअप भी आ जाता है कि पहले इनको आप लोग रेटिंग दो ऐप सुमो पर जाकर के, देन ही यहाँ पर ये अनलॉक होगा। मेरे केस में वो पॉपअप एक बार आया, उसके बाद नहीं आया, लेकिन जब मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फोर्स किया गया था कि आप पहले उसका रिव्यू करो, देन ही यहाँ पर ये अनलॉक होगा। मेरे केस में एट प्रेजेंट तो अनलॉक हो गया है, एंड आई थिंक अब शायद से वो कंडीशन इन्होंने यहाँ से हटा दी है। अब अगर यहाँ पर मैं इसके कुछ प्रोज की बात करूँ तो काफ़ी ईजी है इसको यूज़ करना, सिंपल है। यूट्यूब एड्स के ट्रेनिंग वीडियोज़ भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो सर्च फिल्टर्स हैं वो भी इसके काफ़ी अच्छे लगे हैं मुझे। अगर मैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में बात करूं तो एट प्रेजेंट ये VidIQ या TubeBuddy को रिप्लेस नहीं कर सकता है। VidIQ और TubeBuddy दोनों अपने आप में काफ़ी मैच्योर प्रोडक्ट है, एंड एट प्रेजेंट ये उसको केपेबल नहीं है रिप्लेस करने के लिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ एड्स रन करने हैं तो फिर इससे आपका काम चल जाएगा। और जो उसका दूसरा कॉन है वो इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है एट प्रेजेंट, जैसे VidIQ TubeBuddy के आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे, यहाँ पर उसका कोई एक्सटेंशन आपको देखने को नहीं मिलता है। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, अगर आपको यहाँ पर हाईली टारगेटेड एड्स रन करने हैं यूट्यूब के ऊपर, तो फिर ये एक अच्छा टूल हो सकता है। ये आपको वीडियो की लिस्ट दे देता है, आप लोग अपने नीश के वीडियोज़ यहाँ पर ईजिली ढूंढ सकते हो। एंड जो भी ये काम करता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू इट मैनुअली ऑल्सो, लेकिन यहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा अगर आप लोग मैनुअली करोगे तो, एंड टाइम इज़ मनी। सो इफ़ यू थिंक यू कैन सेव योर टाइम बाई यूजिंग दिस टूल, देन इट इज़ अ गुड टूल फॉर यू। एंड इफ़ यू आर अ डिजिटल मार्केटर और आपने आज तक यूट्यूब एड्स रन नहीं करे हैं, और करें हैं तो आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, तो मे बी यू आर मिसिंग ऑन समथिंग, क्योंकि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स से अच्छे एट प्रेजेंट यूट्यूब एड्स आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरा काम पसंद आता है तो मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।